फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नीमास कॉर्नर और मैं हूं नीमा। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं कुछ ऐसे हैक्स जो बिल्कुल आपको ट्राई करने चाहिए। मैं तो इनको बहुत ट्राई करती हूं और मैं इनको थम्स अप भी देती हूं क्योंकि ये बहुत सही काम करते हैं। सबसे पहला भाई, लेटेस्ट ही मैंने मंगवाया था ये है बेसिकली ब्रश क्लीन करने के लिए। मान लो आपके पास यूज्ड ब्रश है बट आपको दोबारा से यूज़ करना है इसको, बट जो ये शेड इसमें लगा हुआ ना वो आपको नहीं करना है, आपको दूसरा शेड यूज़ करना है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। इसमें आपने अपने इस ब्रश को इस तरीके से ना रब करना है। इंस्टेंटली विद इन 30 सेकेंड्स आपका प्रोडक्ट इस ब्रश में से निकल जाएगा और ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। मतलब आपको ब्रश धोने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल अगर मैं भाषा में आपको समझाऊँ तो। बट अगर मैं इस प्रोडक्ट की बात करूँ यार, 250 रुपये का ये प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट मैं आपको दिखाती हूँ। ये आप देखो, इसके अंदर ना एक इस तरीके का स्पॉन्ज टाइप का लगा हुआ है और कुछ नहीं है, और एक ये बॉक्स है, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि मैं आपका ये जो है ना, क्या बोलते हैं इसको, ब्यूटी टूल ब्रश क्लिंजर जो है ये, मैं अगर आपको बोलूं मैं सिर्फ 20 रुपये में आपका ब्रश क्लिंजर बनवा दूंगी तो आप मुझे क्या बोलोगे? अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना, ठीक है। मैं अगर आपको बोलूं कि इसमें जो ये फैब्रिक लगा है ये सेम वही है जो 20 रुपये वाले डोनट में लगा होता है, ये जो डोनट हम लोग डोनट बन नहीं बनाते, जूड़ा बनाते हैं, ये आप देखो कोई भी डिफरेंस नहीं है, उल्टा इसमें क्वांटिटी ज़्यादा ही है, इसमें तो बिल्कुल कम मिल रही है आपको। मैंने क्या किया है, जैसे आपके पास कोई भी ज्वेलरी का बॉक्स हो या इस तरीके का छोटा बॉक्स हो आप उसमें रख सकते हो, नहीं तो ज्वेलरी के बॉक्स में इस तरीके से रख लो। अब इसको भी मैं ट्राई करके देख रही हूँ, ये मेरा एक ब्रश है, इस पर भी मैं इस तरीके से जब मैं रब करूँगी ना तो ये भी सेम वही काम करता है। मैं चाहे तो आपको हाथ में लेके भी दिखा देती हूँ, इस तरीके से पकड़िए और अपने ब्रश को इस तरीके से रब करना शुरू कर दीजिए, इससे भी सेम वही चीज़ हो रहा है, मेरा पूरा ब्रश जो है बिल्कुल क्लीन हो चुका है। तो मैं तो आपको बोलूँगी कि ये जो 250 रुपये वाला है ये, इसे आप घर पर ही बना सकते हो बहुत ही ईजिली। मुझे लगता है 250 में से 200 रुपये तो ये डब्बे के ही हो गए, क्योंकि प्रोडक्ट में ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे लग रहा था कि भाई बहुत ही हाइप वाला है, कुछ तो डिफरेंस होगा। बट जब मैंने इस पर हाथ लगाया ना तो सच में मुझे यही फील आई कि मैं ये चीज़ 20 रुपये के डोनट से भी बना सकती हूँ। ये आपको डोनट बहुत ईजिली मिल जाते हैं मार्केट में, आपके मोहल्ले में जो मंगल बाज़ार, सोम बाज़ार या इतवार बाज़ार लगता होगा ना, उसमें आराम से आपको मिल जाता है 20-20 रुपये में। तो आप इसे ट्राई कर सकते हो, 200-250 रुपये खर्च करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से ये जो होते हैं नेल पेंट रिमूवर, इसे भी आप घर पे बना सकते हो। आपके पास कोई भी फॉर्म होगा, फॉर्म नहीं होता जैसे बच्चों के कपड़े होते हैं उनके बीच में फॉर्म की एक पतली पतली लेयर आती है, आप इस तरीके से छोटी डिब्बी, किचन में जाओगे आपको बहुत सारी छोटी डिब्बी मिल जाएंगी, एक में इस तरीके का फॉर्म बिल्कुल भर दो, 10 रुपये की 20 रुपये की जो नेल पेंट रिमूवर वाली शीशी आती है ना वो उसमें डाल दो, बस आपका बन के तैयार हो चुका है। बस हाँ, ये देखना कि वो जो डब्बा है ना उसमें ढक्कन ज़रूर हो। जी हाँ, बिलीव मी, आप इसे भी घर पर खुद बना सकते हो और आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि होता इसमें भी सिर्फ नेल पेंट रिमूवर ही है और कुछ ऐसा नहीं है। ये फॉर्म है इसके अंदर और फॉर्म की मदद से ही ये नेल पेंट जो है बहुत इजीली रिमूव हो जाता है। तो आप इसे भी घर पर बना सकते हो। आप चाहें तो कॉटन, जैसे कॉटन तो फिर वो श्रिंक हो जाएगी, बट इसी तरीके का कुछ भी आप इसके अंदर डालो जो श्रिंक ना हो। आप चाहे तो इस पर भी ट्राई कर सकते हो, जैसे आपके पास ये डोनट बन है, कट करो, एक डब्बे में डालो इसको और फिर उसमें नेल पेंट रिमूवर भर दो, सिंपल। आप इसे भी DIY कर सकते हो, ये भी आपको 100-150 रुपये का मिलता है, अदरवाइज आप घर पे बनाओगे 20-40 रुपये में आराम से बन जाएगा। और कुछ नहीं करना, जब भी आपको लगता है ख़त्म हो रहा है 20 रुपये वाला नेल पेंट रिमूवर उसमें डाल दो, बस काम खत्म। हम लोग हाइलाइटर्स लगाते हैं बट बॉडी भी चमके ये भी हम चाहते हैं, तो आप कैसे अपना बॉडी हाइलाइटर बना सकते हो? तो उसके लिए मेरे पास जो हाइलाइटर है मैं अपने इसमें मिला लूँगी, जो मेरा है ना ये, जो मैं अपनी बॉडी पे अप्लाई करती हूँ, ये आप देखिए मॉइस्चराइज़र जो भी आप अप्लाई करते हो उसमें आप क्या करोगे, थोड़ा सा, जी हाँ थोड़ा सा मैंने इसको खुरचा और इसमें मैंने मिक्स कर लिया। ओह माय गॉड, तो इस तरीके से मैं अपना चाहे तो लिक्विड हाइलाइटर भी बना सकती हूँ। ये आप देखो, दिख रहा है? तो जब आपको पाउडर हाइलाइटर लगाने का मन ना करे तो आप इंस्टेंटली लिक्विड हाइलाइटर भी बना सकते हो, और मैं इसे अपनी पूरी बॉडी में लगा के बॉडी शिमर भी बना सकती हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल सा लग रहा है ये आप देखो।
बहुत ही प्यारी सी पिंक टोन का मैंने लिया है, ताकि बहुत ज़्यादा भी ना लगे अजीब सा। तो ये मैंने यूज़ किया हुआ है बहुत ज़्यादा, और जब भी मैं इसे लगाती हूँ ना, तो लोग मुझसे ज़रूर पूछते हैं कि यार आपने अपनी बॉडी पे क्या लगाया, बड़ा मस्त शाइन आ रहा है। तो आपको उसके लिए अलग प्रोडक्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी हाइलाइटर यूज़ करते हो ना, बहुत अच्छा लगता है जब फेस पे भी सेम हाइलाइटर होता है और बॉडी पे भी सेम हाइलाइटर होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अदरवाइज़ बॉडी हाइलाइटर्स आपको अलग से भी मिल जाते हैं, बट वो थोड़े से पैसा वेस्ट करने वाली बात हो गई, तो मत लो, मैं तो यही बोलूँगी। अगर आपको हेयर स्टाइल्स बनाने का शौक है और आपके बाल हैं मेरी तरह इत्तू इत्तू से, तो दिल के अरमा दिल में ही रह जाएं, इससे अच्छा है कि आप इस तरीके से हेयर एक्सटेंशंस ले लो। मतलब देखो मेरे बाल मतलब ये मैंने हेयर एक्सटेंशन लगा रखा है, कुछ नहीं करना होता इसमें, ये आप देख सकते हो क्लिप। और मेरे मैंने अभी नया नया हेयर कट करवाया, तो मेरे बाल तो वैसे ही बहुत छोटे हो रखे हैं, तो इसमें आपने कुछ नहीं करना होता, ये आपको क्लिप मिलती है बेसिकली। और ये आप देखो, दोनों तरफ से आप इसे लगा सकते हो इस तरह से भी, और जब मैं इसे ट्विस्ट करती हूँ ना इस तरीके से भी, इस तरीके से मैं आपको लुक मिलती है। अभी मैं कॉम करूँगी ना इसको, तो आप देखना इस तरीके से मैं आपको स्टेप लेयर की कटिंग की वो मिलती है, और इस तरीके से मैं आपको मिलती है नॉर्मल हेयर कट की, नॉर्मल स्ट्रेट बालों की। और कंघी कर लोगे तो बहुत अच्छा है, मैंने तो अभी निकाले और लगा लिए ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। और ये आप देखो, बहुत अच्छे लगते हैं ये, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मुझे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो आप इन्हें ट्राई कर सकते हो, अगर आप भी चाहते हो कि कभी तो कुछ डिफरेंट हो जाए, कुछ तो नया आना चाहिए लाइफ में तो आप इसे ट्राई कर सकते हो। एक हैक जो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, वो है आई शेडो से लिपस्टिक बनाने वाला हैक। ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। देखो हम लोग आई शेडो लगाते हैं आँखों पे, मैंने पिंक आई शेडो लगाया, मुझे चाहिए कि यार मैं लिप्स पे भी सेम शेड लगाऊं। तो आप क्या कर सकते हो, आपके पास जो भी पैलेट है, जो भी आपने आई मेकअप किया है, मान लो मैंने इस और इस शेड का आई मेकअप किया है, तो मैं अपने लिप्स पे भी वही शेड चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, अपने लिप्स पे पहले कोई मॉइस्चराइजर वगैरह, जो भी आप लिप बाम वगैरह लगाते हो वो लगा लूँगी। इस तरीके से, और फिर थोड़ा सा आई शेडो लूँगी और अपने लिप्स पे सिर्फ टच करना शुरू कर दूंगी। बस हो गया। बस हो गया। जब भी मैं ये हैक शेयर करती हूँ ना, लोग मुझसे पूछते हैं क्या आई शेडो को आप लिप्स पे लगा रहे हो, ठीक है क्या? एक चीज़ मुझे बताओ, आप लिपस्टिक को एज अ ब्लश यूज़ कर लेते हो, आप लिपस्टिक को कॉन्टोरिंग के लिए यूज़ कर लेते हो, क्या वो ठीक है क्या? नहीं ना, तो फिर ये भी उतना ज़्यादा मुझे नहीं पता कि ठीक है कि नहीं, बट हाँ मैं हैक बता रही हूँ ताकि आपको जब भी इमरजेंसी हो तब आप इसे यूज़ कर सको, तो इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए। तो ये मेरा फेवरेट वाला हैक है। मस्कारा लगाने का शौक हम सबको होता है, बट समटाइम्स क्या होता है, हम लोग मज़े में इतना मस्कारा लगा देते हैं कि वो साफ पता चलता है कि इसने अपनी पलकों पे कुछ लगा रखा है। बट मैं आपके साथ एक मेरा फेवरेट वाला हैक शेयर करना चाहती हूँ, आप एक बार ट्राई करो ट्रांसपेरेंट मस्कारा को। मैं आपको दिखाती हूँ डिफरेंस, मैंने अभी कोई मस्कारा अप्लाई नहीं कर रखा है। ये है वेट एंड वाइल्ड ब्रांड का ट्रांसपेरेंट मस्कारा, इसे मैं अप्लाई करूँगी अपनी आई लैशेज पे। और आप देख सकते हो ये बिल्कुल फ्लैट है, और ये आपको ना वॉल्यूम दिख रहा होगा इसमें। और बहुत अच्छी बात पता है क्या है, बहुत अच्छी बात यह है कि ये कोई भी ब्लैक टिंट नहीं छोड़ती है। नॉर्मली मस्कारा लगाने के बाद ना वो अजीब सी पलके लगने लग जाती है, अगर आपने थोड़ा सा भी ज़्यादा लगा लिया है तो इसके साथ वो प्रॉब्लम नहीं होती है। मैं तो इसे बेस्ट बोलूँगी बॉयज़ के लिए, क्योंकि बॉयज़ नॉर्मल ब्लैक मस्कारा लगाते हैं ना वो अजीब सा लगता है, तो आप ट्रांसपेरेंट मस्कारा लगाओ। अगर आपने भी देखी है ना लड़कों की वो रील्स पे बढ़िया बढ़िया पलकें, तो वो यही यूज़ करते हों, आप इसे ट्राई कर सकते हो। अगर आपको भी मस्कारा लगाने का बहुत ज़्यादा शौक है, बट नहीं पसंद है कि यार वो बिल्कुल ब्लैक ब्लैक अलग सा ही पता चल जाता है देखते ही किसने आंखों पे कुछ ज़्यादा ही मस्कारा लगा लिया, ओवर हो गया है, तो आप इस ट्रांसपेरेंट मस्कारा को एक बार ज़रूर ट्राई करना, मेरा ये फेवरेट है आज की डेट में। और पता है इसे अप्लाई करने के बाद आप जब ब्लैक मस्कारा भी अप्लाई करते हो ना, वो आपको उतना ज़्यादा नहीं लगाना पड़ता है, क्योंकि आपको जो वॉल्यूम था जो आपको मिलना था ना, वो तो इससे मिल चुका है, बस आपने एक कोट करना है और बस आपका काम खत्म। तो मेरे को ये ट्रांसपेरेंट मस्कारा बहुत ही ज़्यादा पसंद है, आप इसे भी ट्राई कर सकते हो। देखो हम लोगों को हाइलाइटर लगाना तो बहुत ज़्यादा पसंद है, बट हाइलाइटर के लिए इतना बड़ा ब्रश कोई ज़रूरी नहीं होता है,
शोबाजी में मैंने भी मंगवा लिया था ये। ये आप देख सकते हो, ये इतना बड़ा ब्रश है कि जब मैं इससे हाईलाइटर लगाती हूँ ना, मेरा पूरा मुंह यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा ही चमक जाता है यूं लगाने में। तो इतना बड़ा हाईलाइटर ब्रश मत लीजिए, अगर आपके पास नहीं है तो मत लीजिएगा, अगर है तो उसे भी अवॉइड कीजिएगा। तो आप क्या कर सकते हो, आपके पास जो भी नॉर्मल ब्रश है आप उसे ना यहाँ से बीच में से पिंच करो, फैल गया, अब बस इतने से ही हाईलाइटर लगाओ ताकि वो जितने एरिया में हम लगाना चाहते हैं उतने में ही लगे। इससे नहीं कि पूरा ये सफ़ेदी वाला ब्रश ले लो और फिर पूरे मुंह को ऐसे पोत लो तो इतने बड़े ब्रश को यूज़ मत करो हाईलाइटर लगाने के लिए, अदरवाइज आपका जो ये ब्लश लगाया कॉन्टोर किया वो सब पे पानी फिर जाना इतने वाले बड़े ब्रश की वजह से। तो छोटा सा ब्रश लो और उससे इस तरीके से हाईलाइटर अप्लाई कर लो। छोटे ब्रश होते हैं ना, तो इससे आप नोज़ वगैरह पे भी लगा सकते हो। इससे अगर मैं नोज़ पे लगाऊंगी तो भैया पूरा ही मुंह मेरा चमको डिटर्जेंट पाउडर हो जाएगा। तो आप छोटे ब्रश को यूज़ करो हाईलाइटर लगाने के लिए और अवॉइड करो इतने बड़े बड़े ब्रश को। खैर मैं आपको बताना चाहती हूँ जो आपके बहुत पैसे बचाएगा। देखो, मेकअप रिमूव करने के लिए हम लोग वेट वाइप्स का यूज़ करते हैं, हम लोग वो जो कॉटन पैड्स होते हैं उसका यूज़ करते हैं, या फिर मेकअप रिमूव करने के लिए आजकल स्पेशल क्लोथ्स भी आते हैं 200-400 रुपए के। बट मैं आपको बोलना चाहती हूँ मेकअप रिमूव करने के लिए आप मेरी तरह 20 रुपए वाली हैंकी का भी यूज़ कर सकते हो। फैब्रिक मैं आपको दिखाती हूँ, ये बिल्कुल सॉफ्ट वाला फैब्रिक होता है। हैंकी की शॉप जो भी होगी ना उस पर आपको ये फैब्रिक आराम से मिल जाएगा, 20-30 रुपए का है। और बिलीव मी, मैं पिछले 5 महीने से इस अपना मेकअप रिमूव कर रही हूँ। अभी भी आप देखोगे ना, मैंने अभी फाउंडेशन वाली वीडियो बनाई थी तो मैंने वो रिमूव किया है, इंस्टेंटली रिमूव कर देता है ये जो महंगे वो 400-500 रुपए वाले मेकअप रिमूविंग क्लोथ्स होते हैं ना। सेम फैब्रिक है इसका, आपने कुछ नहीं करना, पानी में गीला करना है इसको, स्क्वीज करना है और अपने मेकअप के ऊपर रख के इरेज कर देना है, बस इंस्टेंटली आपका मेकअप रिमूव कर देता है ये। आपको कोई वो 300-400 रुपए वाले मेकअप रिमूविंग क्लोथ्स लेने की ज़रूरत नहीं है। 20-30 रुपए वाली हैंकी भी वही काम करती है। फैब्रिक आप देख लो इसका, ये माइक्रो फाइबर होता है, क्या होता है इसका नाम मुझे पता नहीं है, बट हाँ मैं आपको इसका टेक्सचर दिखा देती हूँ। बिल्कुल सॉफ्ट होता है, स्पेशली जो मम्मी लोग होते हैं ना जो हैंकी अपने बच्चों के लिए यूज़ करते हो ना, बिल्कुल सॉफ्ट वाले, समझ लो ये वही है। तो आप इसे एक बार ट्राई करके देखना, आपके बहुत सारे पैसे बचने वाले हैं। उम्मीद करती हूँ ये हैक्स आप ट्राई करोगे तो मुझे याद ज़रूर करोगे, क्योंकि आपको पसंद ज़रूर आएंगे। तो कमेंट करके भी ज़रूर बताना मुझे और हैक्स देखना चाहते हो तो ऐसे पैसा वसूल वाले। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया था, वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाओगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।